दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज की जो वैकेंसी है वो होने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पकम। तो यहाँ पर IGCAR से आपके लिए बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसकी ओपनिंग डेट है 1 जून और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो है 30 जून। दोस्तों, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर दें, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज होने वाली है। डायरेक्ट हम बात करेंगे नर्सिंग की, तो नर्स एक ही यहाँ पर पोस्ट होने वाली है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सर्कल में। लेवल 7 रहने वाला है, 44,900 आपका इनिशियल पे रहने वाला है। वैकेंसी की बात करें तो अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ रिलीज की गई है 27। एज लिमिट यहाँ पर 30 रहने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात करेंगे नर्सिंग की। तो नर्स के लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन दी गई है वो होने वाली है आपके लिए 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिप्लोमा इन GNM हो आपका, और वैलिड रजिस्ट्रेशन हो जो कि सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। नर्स ए का आपका हो तो उसके साथ 3 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया गया है। मिनिमम यहाँ पर 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 44,900 आपका पेमेंट रहने वाला है लेवल 7। इसके अलावा अलाउंसेज आपके रहने वाले हैं, तो अलाउंसेज मिला के आपकी सैलरी यहाँ पर 75,000 के अराउंड रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर हो गई नर्स की बात। अब इसके अलावा फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर पोस्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मात्र 14 वैकेंसीज यहाँ पर फार्मासिस्ट की होने वाली है, जिसमें 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो 2 फेज़ में आपका सिलेक्शन होने वाला है। किसी ने NPCIL का एग्ज़ाम दिया हो तो सेम वैसे ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको जनरल साइंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस, तो वहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे 30% जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर अदर कैंडिडेट्स के लिए जो है 20% लाना जरूरी होगा। इसके बाद ही आप सेकंड पेपर देख पाएंगे जो कि आपका नर्सिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो यहाँ पर गो और नो गो का आपके बेसिस पर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन, आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इसके अलावा फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पर आपके लिए 300 रहने वाली है और 200 रहने वाली है अदर कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा, ऑनलाइन आप भर सकते हैं। एग्जामिनेशन की सिटीज़ यहाँ पर दी गई है, राजस्थान में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, दिल्ली जयपुर में राजस्थान में होगा, और यहाँ पर लगभग सभी जगह पर आपका एग्ज़ाम दिया गया है। तो 25 यहाँ पर है जिसमें से आप एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ सबमिशन आपका जो है बता ही दिया है मैंने, 30 तारीख लास्ट रहने वाला है। ऑफिशियल साइट आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है, नोटिफिकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7K सब्सक्राइबर हैं, और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनके इस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।